मेड्रामी की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मुबशरा तो जैद को समझाने की कोशिश करती है कि अगर जैद ने उसके साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक ना किया तो किसी हाल में भी कश्माला का घर भी बसने नहीं देगी। वो साफ साफ जैद से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके मुझ पर कोई एहसान किया है और तुम मुझे इस घर में अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो? तो याद रखो, मुझे अपने फैसलों पर पूरा अख्तियार है। अगर मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मुझे कहोगे मैं उस हुक्म पर चलना शुरू कर दूंगी। चलना पड़ेगा मुबशरा, तुम इस घर में मेरी बीवी बन के आई हो और तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम्हें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा वरना तुम कभी भी इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह पेश आने वाले? शायद तुम जानते नहीं मैं मुबशरा जाफर हूँ। आई एम परफेक्ट। अगर मुबशरा तुम परफेक्ट होती ना, मोहिब कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालता ना। हर किसी को अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुम कैसी थी और कैसी हो। इस तरह मेरे सामने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश भी मत करना क्योंकि तुम जानती भी नहीं कि मैं तुमसे किस हद तक नफरत करता हूँ। जानती हूँ जब तक वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए नफरत ही होगी। इस बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन मेरी बात याद रखो, उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे दिल से जाना होगा क्योंकि अगर मैं इस घर में हुश न रही तो तुम्हारी अपनी बहन भी कभी भी अपना घर नहीं बसा पाएगी। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।